यादव, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा। मैं विष्णु देव साय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमस्कार, वक्त हो गया है खबर असरदार का। मैं हूं अपर्णा मौज। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने, जबकि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया है। दोनों ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। हालांकि दोनों ही राज्यों में कैबिनेट विस्तार पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने अपना पदभार संभाला। आज पहले शपथ ली, उसके बाद मंत्रालय पहुंचे, पदभार संभाला, बैठक की, फैसला यहां पर मध्य प्रदेश में लिया भी गया। लेकिन दोनों की ही अभी कैबिनेट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने संभाला है कार्यभार और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री की शपथ यहां पर ली, लेकिन मंत्रालय को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है, कोई तस्वीर साफ नहीं है। कौन होंगे, कितने मंत्री होंगे, अभी इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मोहन यादव ने भोपाल में कार्यभार संभाल लिया। अधिकारियों ने उनका मंत्रालय में स्वागत भी किया। इसके बाद मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कई बड़े फैसले लिए। तेज आवाज में लाउडस्पीकर को लेकर सीएम ने पाबंदी लगाने के निर्देश दिए, साथ ही खुले में मास्क की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही। इसके अलावा सीएम ने हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज बनाने की घोषणा की। एमपी में साइबर तहसील बनाई जाएगी, साथ ही अद्यतन अपराधियों पर लगाम लगेगी। जिनकी अपराध करने की आदत है उन अपराधियों पर लगाम लगेगी। उन्होंने रामकृष्ण कुसमारिया को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के आदेश दिए। तीन तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लागू होने के बाद, फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं। अगले सत्र से ही सभी कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। तो बार बार अपराध करता और छूट जाता है, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी हो गई तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। एक प्रदेश में, वैसे तो सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे, अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ली, तो वहीं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। मैं डॉक्टर मोहन यादव,
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जगदीश देवड़ा अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में अब मोहन राज आ गया है। मोहन यादव को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेता शपथ के साक्षी बने। मोहन यादव के साथ जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मैं जगदीश देवड़ा मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला ने भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बार प्रदेश में दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव सूबे के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले मोहन यादव प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, तो वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला चुनाव से ठीक पहले मंत्री बनाए गए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन अभी किसी और विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंथन किया जाएगा। जातिगत समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल गठन की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में आज दिग्गजों का जमावड़ा रहा। मौका था मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह का। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत देशभर के बड़े नेता राजधानी भोपाल पहुंचे। भोपाल का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज गया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिग्गज और बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मोहन यादव की शपथ के साक्षी बने। मोहन यादव की शपथ ग्रहण में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शिवराज सिंह, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत दिग्गज नेता आज मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन से भी कई सारे लोग पहुंचे थे। 2024 के लिए मोदी के महारथियों की सेना तैयार हो रही है। महाशपथ से 24 का विजय पथ तैयार होगा, जो फिर से बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता साफ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भोपाल में मंच पर दिग्गज नेता, दर्शक दीर्घा में आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का परिवार था। नई जिम्मेदारी की शपथ के लिए परिवार भी साक्षी बना। ये वो पल थे जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। परिवार के लिए क्षण हमेशा के लिए यादगार बन गया। शपथ ग्रहण में एक तरफ मंच पर दिग्गज नेता थे, तो दूसरी ओर आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का परिवार था, जो लोगों के साथ शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बना। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल का परिवार भी समारोह में पहुंचा। मोहन यादव की बेटी और पत्नी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। परिवार के मुखिया अब प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। मोहन यादव की बेटी का कहना है कि ये पल परिवार के लिए हमेशा याद रहेगा। भगवान महाकाल की कृपा बनी रहेगी पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में और पूरे इंडिया में, सभी के लिए बहुत खुशी की बात। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का परिवार भी इस समारोह में शामिल हुआ। पिता को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते देख परिवार बेहद खुश दिखा। राजेंद्र शुक्ल की बेटी का कहना है कि अब जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को, पूरे भाजपा नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतने परिपक्व नेता को इतना अच्छा मौका दिया।
वो जरूर इस परीक्षा पर खड़े उतरेंगे और सारे जितने भी बड़े लोग हैं उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। अनबिलीवेबल मोमेंट, बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। उनकी मेहनत फाइनली रंग लाई है, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। बस हम लोग को बहुत खुशी है और उसका हम लोग शब्दों से तो बयान नहीं कर सकते। जिम्मेदारी तो पहले भी थी और अब थोड़ी सी और बढ़ गई है, तो उसको पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का परिवार भी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचा। प्रदेश के विकास को लेकर जगदीश देवड़ा की बहू का क्या कहना है, आप भी सुनिए। बहुत खुशी महसूस हो रही है, हम बहुत गर्व है हमें पापा पे कि उनको इतना बड़ा पद मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे वो पहले देश और प्रदेश का विकास कर रहे थे वो आगे भी करेंगे पूरी अपने मेहनत से। शिवराज जी चौहान ने अपना लाडली बहना का योजना जो आरंभ किया वो बहुत बेनिफिशियल था और हम सारी औरतों को और हम सारी महिलाओं को आज एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, इसको डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहिए और योजना को बुलंद करना चाहिए और इससे तो बहुत लाभ हुआ ही है। प्रदेश में अब मोहन यादव के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। नए मुखिया के साथ नई टीम जनता से किए वादों को पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रदेश में अब विष्णु राज आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रदेश और देश के बड़े और दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा। राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवा छत्तीसगढ़ अब विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है। विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं विजय शर्मा ने भी प्रदेश के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। मैं अरुण साव इस पद की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की बहुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रदेश में इस बार दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव में जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए साय की टीम तैयार हो रही है। इसके कंधों पर ही प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी रहेगी। नए चेहरे, नए तेवर और नए अंदाज में नए आयाम स्थापित होंगे।
छत्तीसगढ़ की धरा पर बड़े नेताओं का जमावड़ा रहा। मौका था शपथ ग्रहण समारोह का। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश और प्रदेश के दिग्गज नेता विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। रायपुर का साइंस कॉलेज मैदान एक नए अध्याय का साक्षी बना। प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री के अलावा देश और प्रदेश के बड़े और दिग्गज नेता भी शामिल हुए। मंच पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामदास अठावले शामिल रहे। इनके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। प्रदेश में बीजेपी ने जनता से चुनाव के दौरान विकास के जो वादे किए, अब उनको पूरा करने की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय की टीम पर है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ विष्णुदेव साय की टीम उतरेगी। नए चेहरे, नए तेवर के साथ जनता के बीच काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक बहुत ही अच्छी तस्वीर देखने को मिली, जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी की सादगी नजर आई। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे स्टेज पर, राज्यपाल उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही फिर वो अपनी कुर्सी की तरफ लौटने लगे तो फिर प्रधानमंत्री ने देखा कि उनकी कुर्सी के आगे टेबल नहीं है, तो उन्होंने खुद ही टेबल को खिसका दिया। और ये देखकर जैसे ही वो टेबल को आगे खिसकाने के लिए बढ़े, तमाम नेता उनकी तरफ दौड़े चले आए, लेकिन उन्होंने स्वयं ही उस टेबल को राज्यपाल महोदय की कुर्सी के आगे कर दिया, जहां उसको होना चाहिए था। ये देखिए, राज्यपाल महोदय कुर्सी में बैठने वाले हैं, उनके आगे टेबल नहीं है। इस बात का एहसास होते ही प्रधानमंत्री झुके और टेबल को आगे करने लगे। जैसे ही वो टेबल को आगे करने के लिए झुकते हैं, ये देखिए टेबल को आगे करने के लिए झुकते हैं, वैसे ही तमाम नेता उनकी तरफ दौड़े चले आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद ही उस टेबल को आगे कर देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव बाबा महाकाल की शरण में नजर आए। शपथ लेने के बाद सीएम यादव पहली बार उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। विशेष पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे, उज्जैन दर्शन से ही आते हैं डॉक्टर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ऐसे में विशेष पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, दुग्धाभिषेक किया बाबा महाकाल का और अपनी पहली बैठक लेने से पहले बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद लिया। तो हर अच्छे काम से पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते आए हैं मोहन यादव। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद पदभार संभालने से पहले बाबा के दरबार पहुंचे, उनकी हाजिरी, उनके आगे हाजिरी लगाई, उनसे अनुमति ली अपने काम की शुरुआत से पहले और फिर वो सीधे भोपाल से रवाना हुए। आज शपथ ग्रहण करने के बाद में सीधा बाबा महाकाल के दरबार में आया हूँ। मैं यहाँ से विधायक भी हूँ। स्वाभाविक रूप से हम सबकी इच्छा रहती है कि कोई भी काम का नया दायित्व तो मिलता है तो बाबा के दर्शन करना चाहिए, और मुझे यहाँ के बाद सीधी कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करना है, मतलब भवन में अपना चार्ज लेना है। तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था और बाबा हम सब पे कृपा करते ही है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार चले, सभी विकास के कामों में हम सब मिलकर के सहयोग करें और प्रदेश को और आगे ले जाएं। वहीं दर्शन पूजन करने के बाद मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री दौड़ते हुए नजर आए। जी हाँ, कैबिनेट की मीटिंग के लिए यहाँ पर वो मंत्रालय में अपनी पहली बैठक के लिए देर हो रहे थे, ऐसे में मंदिर में पूजा करने के बाद वो दौड़ते हुए दिखे। शपथ ग्रहण के पहले दिन ही नजर आया कि
मुख्यमंत्री समय के पाबंद हैं और ऐसे में बैठक के लिए कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर दौड़ लगा दी और उनके पीछे तमाम बाकी लोग भी भागता हुआ देख भागने लगे। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने बाबा महाकाल का विशेष पूजन किया। मुख्य पुजारी राजेश गुरु ने पूजा को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव शपथ ग्रहण के बाद बाबा महाकाल दरबार पहुंचे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, विशेष पूजन पाठ कराया गया और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं राजेश गुरु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। आज मुख्यमंत्री बाबा महाकाल दरबार पहुंचे, विशेष अनुष्ठान किया गया। जय श्री महाकाल। माननीय मुख्यमंत्री जी के भाव थे आज भोपाल जब शपथ विधि का कार्यक्रम हुआ उसमें भी उन्होंने ऐसा कहा था कि सबसे पहले बाबा महाकाल जी का मत्था टेकना है, उसी तारतम्य में सीधे उज्जैन आए, वो बाबा का माथा टेका और इसके बाद में भगवान का पंचामृत पूजन किया, रुद्र अभिषेक किया, षोडशोपचार पूजन किया, सब महाकाल के पुजारी परिवार पुरोहित परिवार सब ने सामूहिक रूप से भगवान महाकाल जी का आशीर्वाद भी दिया बाबा का। और ये ऐसी अपन कामना करते हैं बाबा महाकाल जी के मुख्यमंत्री जी के हाथों बहुत खूब प्रदेश का खूब विकास हो और उज्जैन में कुंभ आने वाला है अभी 2028 में, तो कुंभ में भी बहुत काम होना है, तो वो सब काम होंगे मुख्यमंत्री जी के हाथों होंगे, बहुत विकास होगा देश की समृद्धि और सुख शांति खुशहाली समृद्धि के लिए तो हम कामना बाबा। अरे सुख समृद्धि और अभी तो राजा के मतलब ये सब माने कि प्रदेश के मुखिया के तौर पे अभी आसीन हुए हैं मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित ही अपने भी ये भाव रखेंगे सारी प्रजा। ये चीज देखा भी जब वो अंदर थे, अक्सर वो आया करते थे तो उस वक्त मंत्री थे। मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्य सचिव को लेकर कवायद शुरू हो गई है। मुख्य सचिव को लेकर आईएएस अनुराग जैन का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। अनुराग जैन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, दिनों वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। अनुराग एनएचएआई के अलावा पीएमओ में भी रह चुके हैं। उनके अलावा आशीष उपाध्याय का नाम भी रेस में है। फिलहाल आशीष केंद्र में तैनात हैं, मोहम्मद सुलेमान और राजेश राजौरा भी सीएम की रेस में, यहाँ पर सीएस की रेस में है। एमपी में फिलहाल वीरा राणा के पास मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार है। छतरपुर से छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां बाइक सवार छात्र की दो अन्य छात्रों ने जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे दोनों आरोपी छात्र बाइक सवार छात्र को एक के बाद एक थप्पड़ जड़ रहे हैं। वायरल वीडियो सिविल लाइन थाना इलाके का बताया जा रहा है। तो बाइक सवार छात्र की किस तरह पिटाई की गई है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दोनों ही ओर से दो छात्र उस पर यहां पर थप्पड़ों की बरसात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर असरदार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज 18 मध्य